सपा विधायक अभय सिंह हमारे साथ हैं, बात करेंगे लोकसभा चुनाव की और कुछ अदावत धनंजय सिंह से। सबसे पहली बात बताएं कि धनंजय सिंह से इतनी अदावत है क्यों? धनंजय सिंह हमारे गांव का लड़का था, संतोष सिंह, उसको 1998 में उन्होंने बुलाया, जहर दे दिया, मार दिया। बाद में एक साल बाद पता चला कि इन्होंने फोन करके उसको बुलाया था, हजरगंज हुसैनगंज थाने में से मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें जेल गए। तो आप बताइए, कोई अगर आपके परिवार के व्यक्ति को जहर देकर के मार देगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप उससे दोस्ती रखेंगे? पत्नी डरी हुई है उनकी, बार बार कह रहे हैं कि 2002 में एक बार हमला हो चुका है, फिर हत्या की कोशिश हो सकती है। वो सब फर्जी घटना बताते हैं, वो इनके द्वारा फैब्रिकेटेड केस था। ये सुरक्षा लेना चाहते थे और हमको अपना चूंकि शुरू से दुश्मन मानते थे, विरोधी मानते थे, इनको लगता था कि इनका व्यक्तित्व दबा हुआ है, हमको पुलिस मुठभेड़ में या किसी तरीके से फरार दिखा मारना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया था। चुनाव से एक सवाल आपसे पहला ये करेंगे, समाजवादी पार्टी यूपी में कितनी सीटें जीत रही है? अब ये तो आने वाले समय में रियल बताएगा, जो राष्ट्र निर्माण के लिए सोचेगा, जो देश का विकास करेगा, जहां सनातन की जय होगी वही आगे बढ़ेगा। आप सपा विधायक हैं, सपा की कोर कमेटी से बात होती होगी, प्रमुख से बात होती होगी, तो क्या है, लगता क्या कितनी सीटें आएंगी? अब जो हमें महसूस होता है कि जो सनातन के मानने वाले लोग होंगे, जो राम को मानेंगे, राम को चाहने वाले लोग होंगे, भगवान राम को, जो देश का विकास चाहते होंगे, जो गरीबों दुखियों का, छात्रों नौजवानों का विकास चाहते होंगे, उन्हीं की विजय होगी और सनातन जीत रहा है। पत्नियां मोदी जी की विचारधारा ज्यादा लोग प्रभावित है। आपकी पत्नी भाजपा में जा चुकी है, पिताजी जा चुके हैं, अभय सिंह कब तक सपा में है, कब तक जा रहे हैं भाजपा में? अभी समय का इंतजार कीजिए, भाजपा में जाएंगे, समय का इंतजार करिए, पता चलेगा। अभय सिंह है, गोलमोल जवाब दिया उन्होंने कि भाजपा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये समय बताएगा। जावेद अहमद, पंजाब केसरी टीवी के लिए जौनपुर से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।